हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एंजल नंबर 3 के बारे में। देखिए दोस्तों, होता यह है जब आपको एंजल नंबर 3 दिखाई देता है आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जब आपको एंजल नंबर 3 दिखाई देता है, उस समय आप जो है बैलेंस नहीं होते हैं। जब आप बैलेंस नहीं होते हैं, जब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी डर में, फियर में, पेन में, कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके माइंड में अगर चल रहा होता है, उस समय आपको एंजल नंबर 3 बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा दिखाया जाता है कि आप अपने आप को, अपनी तीनों चीज़ों को सही बैलेंस करें, एक अलाइनमेंट में लाएं और बिल्कुल बैलेंस करते हुए अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस करते हुए आपने अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते रहना है। अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करते हैं तो नेगेटिविटी जो है अपने आप आती है, फिर आपको दिक्कत आती है, परेशानी होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव सिचुएशन से आप दर्द में चले जाते हैं, पेन में चले जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपको लगने लगती है कि यार स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो गई बट पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी कि नहीं, इस तरह के डाउट्स आपके मन में आने लग जाते हैं। तो सीधा सीधा है कि जब आपको एंजल नंबर 3 दिखाया जाता है एंजल्स के द्वारा, तब आपने सेल्फ लव में रहना है और सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट में जब आप रहेंगे तो आप उस समय उस यूनिवर्स के द्वारा अच्छे से, अच्छे तरीके से आपकी अलाइनमेंट होती है और आप उस यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो एंजल नंबर 3 बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा आपको दिखाया जाता है और उसकी ब्लेसिंग्स आप पर, उस यूनिवर्स परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पर तभी आती है जब आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ें बैलेंस होती है, जब आपके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सब चीज़ें नहीं होती, तब आपकी तीनों चीज़ें बैलेंस होती हैं। थोड़ी सी भी जेलस कहीं से आई, थोड़ी सी भी ईर्ष्या हुई, क्रोध है, एंग्जाइटी, पेन, तो मान लीजिए नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एंजल्स के द्वारा एंजल्स नंबर 3 दिखाया जाता है कि अलाइन हुई है तीनों चीज़ें, क्योंकि जहाँ पर भी थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी आपके पास आती है वहीं पर ही ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, जो विश है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए अपने माइंड, बॉडी, सोल पर काम करें, डेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन, योगा आदि कर सकते हैं और साथ के साथ आपने ओम क्लेम कृष्णाय मंत्रा का चैंटिंग करते रहे, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रखता है, पॉजिटिव रखता है और पॉजिटिव चीज़ों को ही आप अट्रैक्ट करें। और आपको ना दूसरों की नहीं, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। बस एंजल्स आपको यही कहते हैं कि आप अपनी नेगेटिविटी जब रिलीज़ करते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को आप क्लियर करते हैं, तब आपको एंजल नंबर 3 यूनिवर्स के द्वारा बार 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 शो करा जाता है। एंजल नंबर 3 आपको बार बार दिखाया जाता है जब आप में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है। तो आपको उस समय होती तो नेगेटिविटी खुद के अंदर है, बट झलकती वो आपको बाहर है, बाहर के लोगों में आपको नेगेटिविटी दिखाई देती है जब खुद आप बैलेंस नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपको खुद को बैलेंस करना है। जैसे ही आप बैलेंस करेंगे, आप देखेंगे कितना बड़ा चेंज लाइफ में आएगा। बहुत बड़ा चेंज आता है जब हम खुद को बैलेंस करते हैं, जब हम दूसरों से जलन, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चीज़ें, देखिए वैसे लाइफ है, ये चीज़ें आनी जानी ही आती जाती रहती है, पर ज़्यादा टाइम तक इन चीज़ों में फंसे ना रहे, ज़्यादा टाइम तक जेलस में, उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा, दूसरों से देखकर ईर्ष्या करना, जलन करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी आती भी है तो उसको ज़्यादा देर तक उस चीज़ में स्टे ना करें अपने आप को, ठीक है। अगर टाइम उस सिचुएशन में अपने आप को ज़्यादा बनाए रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो बस यही चीज़ें समझें, तभी आपको एंजल्स द्वारा 3-3-3 दिखाया जाता है ताकि आप अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।